भारत सरकार द्वारा स्थापित एनएमसी जो चिकित्सा शिक्षा हेतु एक मानक संस्था ने एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में सीबीएमई को लागू किया है, जिसमें प्रारंभ से ही मेडिकल विद्यार्थी को क्लिनिकल अनुभव से परिचित करवाया जाता है। वर्तमान में चिकित्सक शिक्षकों की उपलब्ध संख्या को देखते हुए एवं सीबीएमई पाठ्यक्रम को लागू करने के उद्देश्य से एनएमसी ने गैर चिकित्सकीय शिक्षकों की भर्ती की छूट को 3 विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में 15% कर दिया है, जबकि फार्माकोलॉजिकल एवं माइक्रोबायोलॉजी में इस छूट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। मेडिकल एवं नॉन मेडिकल शिक्षकों के बीच उल्लेखनीय असमानता ये है कि नॉन मेडिकल शिक्षक जिन्होंने मरीजों के साथ न व्यवहार किया, न उपचार और न परीक्षण, जबकि मेडिकल शिक्षक अपने विद्यार्थी काल से ही क्लिनिकल परीक्षण एवं मरीज के साथ व्यवहार उपचार हेतु प्रशिक्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की दिशा निर्देश में उसे विषय की मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत डिग्री के बिना उसके संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल उत्तरदायित्व और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। जहाँ तक गैर चिकित्सकीय शिक्षकों की आजीविका का प्रश्न है, तो वे अन्य एमएससी पीएचडी डिग्री युक्त अभ्यर्थियों के ही समान अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं एवं डिग्री कॉलेजों में अध्यापन शोध कार्य इत्यादि में कार्य कर सकते हैं। जंतर मंतर पर जो कल प्रदर्शन है वो धन्यवाद प्रदर्शन है। एनएमसी ने जो अगस्त माह में 2 रेगुलेशन नए जारी किए हैं, हमारी एसोसिएशन उन जो रेगुलेशंस हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये प्रदर्शन आयोजित कर रही है। साथ ही एक प्रोविज़न जो अभी रह गया है इन रेगुलेशंस में, 3 विषयों के अंदर 15% तक नॉन मेडिकल टीचर्स का रिलैक्सेशन, हमारी ये मांग है कि उन्हें भी यथासंभव जल्दी से जल्दी उन्हें भी हटाया जाए। बीसीएन न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल और एलजी आवास के बाहर दिल्ली के गांव के हितों के लिए और उनके ऊपर थोपे गए अन्याय पूर्ण कानूनों व नियमों के खिलाफ पालम 360 खाप ने महापंचायत की। इस दौरान महापंचायत का नेतृत्व करते हुए पालम 360 खाप के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने चेतावनी दी कि ग्रामीणों ने सरकार से दो दो हाथ करने की ठान ली है और 30 सितंबर तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पर नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे और आंदोलन शुरू करने का एक बड़ा ऐलान करेंगे। चंगी राम अखाड़ा के सामने आयोजित महापंचायत में पालम 360 खाप के अधीन सभी खापों के प्रतिनिधियों के करीब 10,000 लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि राजधानी के ग्रामीणों के साथ देश आजाद होने के बाद भी अन्याय होना बदसूर की जारी है, लेकिन वह अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की कृषि भूमि कोड़ियों के भाव अधिग्रहण करके उन्हें बेरोजगार कर दिया। इस दौरान गांव में मौजूद ग्राम सभा की भूमि सरकार ने हड़प ली है, जबकि यह भूमि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोड़ी गई थी। सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई पहल नहीं की, वहीं उनको नौकरी व वैकल्पिक प्लाट भी नहीं दिए गए। खाप 360 के जो भी मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे के साथ हम सब सोसाइटीज, दिल्ली के किसान, ये सब एक साथ जमा हुए हैं। इशू क्या है? हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है किसान हितैषी संशोधित लैंड पुलिंग पॉलिसी। हमारा मुद्दा है म्यूटेशन जो बंद है वो चालू करो। हमारा मुद्दा है कि मास्टर प्लान 2041 को अविलंब लागू करो। और जो भी सारे मुद्दे हैं, हम सारे मुद्दे के साथ यहाँ पर आए हैं, मगर हम सब सोसाइटी और किसान, इस सबका मानना है स्पष्ट रूप से कि इसमें जो लैंड पुलिंग पॉलिसी, यानी किसान हितैषी संशोधित जो लैंड पुलिंग पॉलिसी है, अगर इस मुद्दे को, जिस पर किसानों ने अपनी राय दे दी है और इसको संशोधित करके सरकार के पास भेज दिया गया है, अगर एक बार ये लागू हो जाता है तो जो भी महापंचायत के मुद्दे हैं, जो भी किसानों के मुद्दे हों, चाहे हम सोसाइटी के लोग हैं, पिछले 10 साल से हमारे बीसीएन न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।